हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हनान और आप देख रहे हैं हनान गेमिंग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी जगह पाकिस्तानी फ्लैग को कैसे लगा सकते हैं। बहुत इजी वे है ये, आप देख सकते हैं माइकल के घर पे कैसे पाकिस्तानी फ्लैग लगाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। दो फ्लैग ये लगे हैं और दो फ्लैग ये बाहर लगे हैं, ये आप देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट पे एक फ्लैग लगा हुआ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने इस लिंक पे आना है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आप देख सकते हैं पाकिस्तानी फ्लैग पे, तो यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से इसको इस पर क्लिक करके, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। इस फाइल को मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा इधर ही, और इसमें जाके आपने ये पाकिस्तानी फ्लैग है, ये मार्शल मॉन्स्टर ट्रक, इधर आ जाना है आपने और इसको थोड़ा सा आपने छोटा कर लेना है स्क्रीन को, और ओपन आई वी को आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर विंडोज़ में जाके इसको स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ये ओपन होता है आपने इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेना है, और यहाँ से एडिट मोड को ऑन कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आपने सबसे लास्ट पे जाना है x64w.rp पे, और यहाँ आपको दिख रहा होगा शो इन मोड्स फोल्डर, आपने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने DLC पैक पे जाना है, और इसके बाद आपने ये स्पॉप ग्रेड पे जाना है, DLC.rpf पे जाना है, और उसके बाद आपने X64 पे जाना है, फिर लेवल्स के फोल्डर पे जाना है, फिर GTA 5 के फोल्डर में, फिर व्हीकल्स में, और उसके बाद आपने अपग्रेड vehicles.rpf इस पर क्लिक कर देना। इधर आने के बाद आपने ये वाली फाइल यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, ठीक है। और उसके बाद आपने दूसरे फोल्डर में आ जाना है, आपने सबसे बैक पे आके तो यहाँ आपने जाना है X64U पे, ठीक है। और इधर भी आपने शो इन मोड्स फोल्डर पर क्लिक कर देना है, यहाँ लेवल्स पे क्लिक कर देना है, फिर GTA 5 पे, और फिर हिल्स पे, फिर Country 06 पे क्लिक करके आपने ये जो सी फाइल है यहाँ से आपने ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने थर्ड फोल्डर पे आ जाना है, यहाँ पे आने के बाद आपने फिर बैक चले जाना है, और इसके बाद आपने X64C पे आना है, और यहाँ भी आपने शो इन मोड्स फोल्डर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने लेवल्स पे जाना है, फिर GTA 5 पे जाना है, और फिर प्रॉप्स में जाना है, और उसके बाद बिल्डिंग में जाना है, फिर भी रूफ टॉप पे जाना है। यहाँ आने के बाद आपने ये जो सी 5 फाइल हैं उनको आपने सेलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। उसके बाद आपने ये भी फाइल बंद कर देनी है, और ये भी फाइल बंद करके अपनी GTA 5 को चलाना है। तो जी, हम अपनी गेम में आ चुके हैं। आपको मैं बताऊँगा कि आप पाकिस्तान का फ्लैग किसी भी जगह कैसे लगा सकते हैं। बिल्कुल आसान सा तरीका है, आपने F9 दबाना है, ये आपका मेन्यू मोड ओपन हो जाएगा। तो आपने सिंपली यहाँ आके F प्रेस करना है, F प्रेस करने के बाद स्पॉन एंटिटी इन वर्ल्ड में जाना है, ऑब्जेक्ट में जाकर सर्च में आपने सर्च करना है फ्लैग पोल। ये सर्च करने के बाद आपने एक फ्लैग पोल यहाँ से यहाँ पर लगाना है अपने घर के ऊपर, जैसे ही मैं लगा रहा हूँ आपने यहाँ एंटर प्रेस कर देना है, ये आपका फ्लैग को लग जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने बैक आ जाना है, बैक आने के बाद फिर ऑब्जेक्ट में जाना है, इसके बाद सर्च पे जाके आपने टाइप करना है फ्लैग। फ्लैग टाइप करने के बाद आपको यहाँ एक फ्लैग दिखेगा, प्रॉप फ्लैग USR, सिंपली आपने यहाँ पे आके इसको यहाँ अपने मुताबिक एंटर प्रेस कर देना आपने। तो आप देख सकते हैं ये आपका
पाकिस्तान का फ्लैग यहाँ लग चुका है। तो ऐसे ही आप हर जगह पाकिस्तान का फ्लैग लगा सकते हैं, जैसे मैं इधर बाहर स्ट्रीट लाइट पे आपका पाकिस्तान का फ्लैग लगा के दिखा सकता हूँ आपको। जैसे यहाँ आपने सिंपली एंटर प्रेस करना है और ये इधर पाकिस्तान का फ्लैग लग जाएगा और ये फ्लैग आपका सेव रहेगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।